गूगल सर्च बार डिलीट होने पर वापस कैसे लाए। सो गाइस, क्या आपका मोबाइल में गूगल सर्च बार डिलीट हो गया है और आप उस गूगल सर्च बार को होम स्क्रीन पे वापस लाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप होम स्क्रीन पर गूगल सर्च बार वापस ला सकते हैं। गाइस मुझे पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को तो एंड तक जरूर देखेंगे, लेकिन गाइस उससे पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप यदि मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ऑल सोशल मीडिया की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार, यू आर वाचिंग संजीव टॉक। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद गाइस कमेंट सेक्शन में आ जाइए। गाइस कमेंट सेक्शन में आने के बाद आपके पास किस कंपनी का मोबाइल है एक कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उस मोबाइल के ऊपर नया वीडियो बना सकूं। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप आपका मोबाइल में होम स्क्रीन पर गूगल सर्च पर वापस ला सकते हैं। गाइस गूगल सर्च पर वापस लाने के लिए आप सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जूम आउट कीजिए, या फिर गाइस रिसेंट बटन को कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखिए। उसके बाद गाइस नीचे जो विजेट्स बटन आ जाएगा उस बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद गाइस थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइए। गाइस थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आप देख सकेंगे गूगल का एक सर्च बार है। गाइस देख सकते हैं, इस गूगल सर्च बार के ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद गाइस ऊपर में जो डन बटन है उस डन बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद गाइस गूगल सर्च बार आपका मोबाइल की होम स्क्रीन पे वापस आ जाएगा। देख सकते हैं गाइस मेरा मोबाइल में गूगल सर्च बार डिलीट हो गया था और आप वापस आ गया है। गाइस अब इसी तरह आपके मोबाइल में गूगल सर्च बार वापस ला सकते हैं। और गाइस बस इस वीडियो के लिए इतना ही, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह ट्रस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए संजीव टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।